गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं अपना इसमें आगे चलते हैं। सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर। सामान्य देखने में इनमें कोई विशेष अंतर नहीं लगता है, क्योंकि सिर्फ इतना कहा जाता है कि व्यक्ति और सरकार दोनों अपने अपने आय व्यय के बजट को संतुलित रखना चाहते हैं। दोनों पर आर्थिक नियम समान रूप से लागू होते, देश में महंगाई का असर भी समान रूप से पड़ता है, परंतु कृत्रिम और सैद्धांतिक समानता के बावजूद निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त में मुख्य अंतर है। उद्देश्य के आधार पर देखें तो इसका उद्देश्य व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कल्याण है निजी वित्त का, और केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के संकीर्ण भाव से प्रेरित होता है, जबकि सार्वजनिक वित्त की बात करें इसका उद्देश्य व्यापक और विस्तृत है तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट, आय और व्यय का समायोजन। इसमें आय के अनुसार व्यय किया जाता है, जबकि सार्वजनिक वित्त में व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। नेक्स्ट है अवधि। आय व्यय के बजट की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, जबकि सार्वजनिक वित्त में आप देखिए कि आय व्यय का बजट प्राय 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है, जो निश्चित होता है। नेक्स्ट है ऋणों की प्राप्ति। व्यक्ति की साख सीमित होती है और ऋण की मात्रा कम और देश के भीतर तक ही सीमित होती है तथा ब्याज की दर अधिक होती है। सरकार की साख के लिए देश विदेशों से बड़ी मात्रा में ऋण लेना इनके लिए संभव होता है और ब्याज की दर भी नीची होती है। नेक्स्ट है आय के स्रोत। आय के स्रोत व्यक्तिगत निजी वित्त में आय के स्रोत निश्चित होते हैं, सीमित होते हैं, जबकि सार्वजनिक वित्त में आय के अनेक स्रोत होते हैं, जिनमें नए कर, पुराने करों में वृद्धि करना, नोट छापना, ऋण लेना आदि आते हैं। अनिवार्य प्रकृति। आय प्राप्त करने में अनिवार्यता का गुण नहीं होता है, ऋण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जबकि सरकार करों तथा ऋणों से आय जुटाने में जबरदस्ती कर सकती है, अवहेलना करने पर दंड दे सकती है। नेक्स्ट है लेखा रखना व निरीक्षण करना। आय व्यय का बजट बनाना व उसका नियमित हिसाब रखना आवश्यक नहीं है और ना निरीक्षण आवश्यक है, जबकि इसमें सरकार को नियमित रूप से बजट पास करवाना होता है और आय व्यय का नियमित हिसाब रखना पड़ता है और उस हिसाब के आपकी नियमित जांच होती है। नेक्स्ट है गोपनीयता। निजी व्यक्ति अपनी आय व्यय के हिसाब को बड़ा गोपनीय रखते हैं, जबकि सरकारों को आप देखते ही हैं कि वे निसंकोच रूप से अपने आय व्यय के सोर्स को जारी करती है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो सारा बताती है कि खर्चा कहाँ करना है, इनकम कहाँ से जनरेट करनी है। ठीक है, आय व्यय में लोच। निजी व्यक्ति अपने आय व्यय की निश्चितता के कारण अधिक अंतर नहीं पड़ने देता तथा तो लोच अधिक नहीं होती है। सार्वजनिक वित्त में सरकार के आय के साधनों और व्यय के मदों में अत्यधिक लोचता का गुण विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन दृष्टिकोण। निजी व्यक्ति अपने वित्त में इतना दूरदर्शी नहीं होता, वे वर्तमान से अधिक संबंध रखता है, जबकि सरकार की वित्त व्यवस्था दीर्घकालीन दृष्टिकोण से प्रेरित होती है। ये वर्तमान की अपेक्षा उज्ज्वल भविष्य को अधिक महत्व देती है। नेक्स्ट है सुरक्षा पर व्यय। निजी व्यक्ति को देश की सुरक्षा व आंतरिक शांति पर व्यय करना नहीं पड़ता। जबकि छापकर साधन नहीं जुटा सकता, जबकि सरकार नोट छापकर साधन जुटा सकती है। आगे हम देखते हैं सार्वजनिक वित्त के महत्व को। अगर हम अध्ययन करें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में महत्व, सामाजिक क्षेत्र में महत्व और राजनीतिक क्षेत्र में महत्व। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण में लोक वित्त की सहायता से सरकार पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दे सकी है। बचत करने, पूंजी विनियोग में कर छूट देने से पूंजी निर्माण होता है, जैसे भारत में विकास छूट, जीवन बीमा प्रीमियम पर आयकर में रियायतें। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन। करारोपण या सार्वजनिक व्यय से सरकार औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन ला सकती है, शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर सकती है और इससे विदेशी प्रतियोगिता से बचा सकती है, सार्वजनिक उपक्रमों का विकास कर सकती है और साधनों का ऐसे उद्योगों में विनियोग बढ़ा सकती है जो देश के हित में हों। नए नए उद्योगों को करों में छूट से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को रियायतें देकर क्षेत्रीय संतुलन रखा जा सकता है। नेक्स्ट है उपभोग पर नियंत्रण। राजस्व की नीति से सरकार हानिकारक एवं नशीली वस्तुओं के उपभोग में कमी और लाभदायक वस्तुओं के उपभोग को बढ़ावा दे सकती हैं। नेक्स्ट है उत्पादन क्षमता में वृद्धि। सरकार आर्थिक विकास की योजनाओं से उत्पत्ति के नए साधनों तथा नए क्षेत्रों की खोज से उत्पादन में वृद्धि कर सकती है।
टेक्नोलॉजी के ज्ञान में वृद्धि से, उद्योगों के विकास से, कृषि में विकास, पूंजी विनियोग, रोजगार में वृद्धि से देश की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तो इसका महत्व और भी अधिक है। आर्थिक विषमताओं को दूर करना, सरकार करारोपण और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से आर्थिक असमानता को दूर कर सकती है। करारोपण अमीर व्यक्तियों पर जाता करके वितरण गरीबों में करके वह आर्थिक विषमताओं को दूर कर सकती है और वे सार्वजनिक व्यय से रोजगार में वृद्धि कर सकती है। नए उद्योगों की स्थापना, राहत कार्य, निजी उद्योगपतियों को प्रोत्साहन, ऋणों से विकास योजनाओं का प्रारंभ आदि से रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। स्वरोजगार कार्यक्रमों से रोजगार को बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है साधनों के वितरण पर नियंत्रण। सरकार राजस्व की नीति से आवश्यक एवं हितकारी क्षेत्रों, उद्योगों एवं व्यवसायों में साधनों के वितरण को प्रोत्साहित कर सकती है, जबकि अलाभकारी व अनावश्यक क्षेत्रों में साधनों के हस्तांतरण को करों द्वारा रोक सकती है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। सरकार सार्वजनिक व्यय और राजस्व क्रियाओं से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जैसे रूस और भारत में तीव्र आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका स्पष्ट है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार समाज के आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रमों में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों से मुक्ति। राज्य वित्तीय क्रियाओं से आर्थिक मंदी और तेजी से होने वाले दुष्प्रभावों को रोक सकता है। 1930 की मंदी में बेरोजगारी कम करने में सार्वजनिक व्यय काफ़ी लाभप्रद रहा है। तेजी पर काबू पाने में भी उपभोग पर करारोपण, बचत का बजट, उत्पादन वृद्धि हेतु करों में छूट आदि से तेजी को कम किया जा सकता है। आर्थिक स्थिरीकरण। सार्वजनिक वित्त की नीति से आर्थिक क्षेत्र में स्थायित्व कायम किया जा सकता है। यह राजस्व का महत्वपूर्ण अंग है। विदेशी विनिमय दर पर नियंत्रण, आंतरिक मूल्यों में स्थिरता, पूर्ण रोजगार तथा आर्थिक विकास राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में महत्व में अगर हम देखें तो सामाजिक क्षेत्र की अस्त व्यस्तता, आर्थिक कारण ही सामाजिक क्षेत्र की अस्त व्यस्तता के लिए अधिक उत्तरदायी होते हैं। समाज में व्याप्त असंतोष तथा वर्ग संघर्ष बहुत कुछ आर्थिक असमानता के कारण है। समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक असमानता को धनिकों पर ऊंचे कर लगा के व गरीबों को आर्थिक सहायता देकर कम किया जा सकता है। सार्वजनिक वित्त द्वारा सामाजिक समानता और सभी को प्रगति के समान अवसर प्रदान कर सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हानिकारक व नशीली वस्तुओं पर ऊंचा कर लगाकर उनके उपभोग से उत्पन्न सामाजिक बुराइयों को कम किया जा सकता है। निर्धनों की सहायता के लिए अधिकाधिक खर्च कर वर्ग संघर्ष को मिटाने में योग मिल सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त का सामाजिक पहलू भी सामाजिक कल्याण, सामाजिक समानता और वर्ग संघर्ष के समापन के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक क्षेत्र में महत्व। लोक वित्त की क्रियाएं राजनीतिक क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ती। देश की विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था और विश्व से मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए पर्याप्त आय व्यय और उपयुक्त राजस्व नीति का अनुसरण आवश्यक होता है। जैसा कि भारत के वित्त मंत्री विल्सन के शब्दों में, सार्वजनिक वित्त केवल अंकगणित नहीं है, वरन एक महान नीति है। सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के बिना सुदृढ़ सरकार संभव नहीं है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य कारण अनुपयुक्त और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली थी। देख सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका कितना अधिक महत्व है। आज के कल्याणकारी राज्य एवं प्रजातांत्रिक युग में राज्य की वित्तीय नीति देश के समूचे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सुचारू और सफल संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनती जा रही है। सार्वजनिक वित्त की उपयुक्त और न्यायपूर्ण व्यवस्था देश में अधिकतम सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में एक अभिन्न अंग बन गई है। आगे हम देखते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय में सार्वजनिक वित्त की भूमिका। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।